Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Good evening, brothers and sisters, to this wonderful evening, evening of celebration. इस शाम सारे लोगों का स्वागत है आज की इस विशेष प्रार्थना सभा में, जहां हम प्रभु को धन्यवाद करने वाले हैं, हम उल्लास करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, क्योंकि ये दिन खुशी का दिन है। यह एक महोत्सव है हमारे लिए और आप सब के लिए जो ग्रेस मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। द स्पेशल थिंग अबाउट दिस डे इज दैट ग्रेस मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स इट्स 22nd एनिवर्सरी। तो 22वीं सालगिरह ग्रेस मिनिस्ट्रीज मना रही है और ये लंबा सफ़र 22 सालों का जो तय हुआ है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ महान तरीके से प्रभु हमारे साथ चले हैं और इसलिए ये दिन खास है, इसलिए दिन मनाए जाने जैसा है। दैट इज़ व्हाई दिस डे हैज़ इम्पोर्टेंस, बिकॉज दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट ऑफ नॉट व्हाट वी हैव अचीव्ड, बट इट्स अ डे टू सेलिब्रेट व्हाट गॉड कैन अचीव एंड हैज़ अचीव्ड थ्रू जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, वीक पीपल लाइक अस। हमारे जो ग्रुप का नाम है ग्रेस मिनिस्ट्रीज, अनुग्रह की सेवकाई। ग्रेस दैट मीन्स इट इज नॉट बाय आवर मेरिट्स, इट इज टोटली गॉड्स फेवर। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कोई बड़ाई नहीं, हमारा कोई भी इसमें महान कार्य नहीं, कृपा और 22 सालों की कृपा का अनुभव हमने किया है। 22 साल ये कृपा बह रही है। दिस ग्रेस इज बीन फ्लोइंग फॉर पास्ट 22 years एंड इट इज इंडीड अ टाइम टू रियली थैंक गॉड। एंड एज स्क्रिप्चर्स सेज दैट नो माइंड हैज थॉट, नो ईयर हैज एवर हर्ड विच गॉड हैज प्रिपेयर्ड एंड हैड इंडीड प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु आर जस्ट सिंपली लविंग हिम। हालेलुया। कि उनके ऊपर प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने ऐसी महान बातें बनाई रखी हैं और हमने वो अनुभव की है इन 22 सालों में, जो किसी आंख ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, किसी मन ने इन बातों का विचार तक नहीं किया था, ऐसी बातें हकीकत में हमने अनुभव की है। हालेलुया। हालेलुया। साम 118 सेज वर्स 24 दैट दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड एंड वी आर हियर टू रिजॉइस एंड बी ग्लैड एंड टू बी टू सेलिब्रेट। हम यहां पर हैं क्योंकि प्रभु ने दिन बनाया है, प्रभु ने ये दिन लाया 22 साल पूर्ण, ताकि हम मनाएं उसकी बड़ाई, उसकी अच्छाई, उसका प्यार। लेट अस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट। हालेलुया। 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 लेट अस साइन आवरसेल्व्स इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। लेट अस लिफ्ट आवर हैंड्स एंड जस्ट फ्रीली प्रेज द लॉर्ड एज वी कंटिन्यू एंड प्रेज द लॉर्ड विद सॉन्ग्स, क्लैपिंग, डांसिंग, enjoying in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. 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 बनाया है तो आओ मिलकर हम
है पढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के Isaiah 25:1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Hallelujah. 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 Father, we are here to praise you. Indeed, you are beautiful. You are marvelous. You are awesome God, Father. I will exalt and praise your name. मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरा नाम को ऊंचा उठाऊंगा. For in perfect faithfulness, yes, पूर्ण विश्वसनीयता में, you have done wonderful things. तूने सुंदर बातें, महान बातें हमारे लिए की हैं, जो तूने सालों साल पहले, जिनके बारे में तूने योजना की, विचार किया. Things planned long ago, for us to be precise, 22 years ago. Hallelujah. We thank you, Lord, not just for what you have done, but the plan that you have right from the beginning of eternity, Lord, that you thought about Grace Ministries. We praise you because you are beautiful, you are wonderful, you are awesome. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh,
34
1. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Let His praises be continually on our lips. And that's what every Monday after Monday for the past 22 years we've been doing, my brothers and sisters. That His praises are constantly on our lips. Unki stuti har vakt har dam hamare onthon par rahi hai aur rahegi. And as we praise Him, let us continually praise the Lord. Your response will be, I will sing the praises of the Lord. Repeat, I will sing the praises of the Lord. He has showered His mercy on us. I will sing the praises of the Lord. He has saved us from perishing. I will sing the praises of the Lord. He has sustained us for past 22 years. I will sing the praises of the Lord. He has provided all of our needs. I will sing the praises of the Lord. He has protected us from all that is evil. I will sing the praises of the Lord. He has bestowed numerous graces on us. I will sing the praises of the Lord. He has performed countless miracles in our midst. I will sing the praises of the Lord. He has abundantly showered the gifts of His Holy Spirit on us. I will sing the praises of the Lord. He inspires us to do good works. I will sing the praises of the Lord. His faithfulness endures forever. I will sing the praises of the Lord. Lift your hands and just praise and thank for all the graces you have experienced. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you. Hallelujah. 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 Hallelujah.
पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है, फरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही। प्रभु महिमा हो तेरी। एंड वी रिजॉइस दिस डे लॉर्ड, वी कंटिन्यू रिजॉइसिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड, हमारी धन्यवाद कहते हुए आपको प्रभु। गिव प्रेज टू द लॉर्ड, प्रोक्लेम हिज नेम, मेक नोन अमंग नेशंस व्हाट ही हैज डन। This evening, we have this opportunity to make known what the Lord has done for me, for us, for Grace Ministries. Hallelujah. Hallelujah. Stotra Sahita 105 कहता है, स्तुति परमेश्वर की कीजिए और बयां कीजिए। Proclaim His name, make known among nations what He has done. और इस YouTube के माध्यम से आज इस शाम वी वांट टू मेक नोन, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बीच कितने महान कार्य किए हैं, और इसलिए हम उसकी स्तुति करते हुए जारी रखते हैं। ये दिन है जिसमें हम आनंद मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज यू फादर, प्रेज यू माय लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
draw near to him and he will draw near to you. Salaho ata tyakade mahima stuti varnu. As we have been drawing closer to him this evening, his promise says he will draw more closer to us. And his promise in Jeremiah 29:13-14, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. इस शाम जैसे हम उसको पुकारते हैं, कठिनाइयों में से, तकलीफों में से, सारे उतार चढ़ावों में से जैसे हम उसको पुकारते हैं, वो हमें जवाब देता है. हम उनको ढूंढेंगे और इस वचन कहता है हम उनको पाएंगे. We'll find him. We'll find strength in the midst of this difficult times. We'll find him by our side this evening, my brothers and sisters. His presence. Do not fear. He is with you. वो हमारे बीच में है. Let us experience him. तेरे कदमों
बहती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए soul and all that is within me, bless his holy name. Prabhu, teri stuti karna chahta hu, tujhe dhanyavaad dena chahta hu. Prabhu, anginat un aashirvaadon ke liye, anginat teri kripaon ke liye jo maine anubhav ki hai, जो हम सब ने अनुभव किए हैं, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को तूने किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में
हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन येशुआ तेरा धन्यवाद, येशुआ मेरी हर जात को पूरा तूने है किया। येशुआ आशा कामों से तूने बना दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी, हर एक कमी में कठिनाइयों together with me. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे। Hello, check. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We have had a wonderful praise and worship. हमने सुंदर praise and worship हमारे music ministry team, brother Melroy Moraes के नेतृत्व में ये अभी praise and worship जो अभी हुई है. We really give glory and give praise to the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, today we all are celebrating a beautiful day, a wonderful day. We are celebrating the 22nd anniversary of Grace Ministries. Aaj hum Grace Ministries ki 22 saal purna ho gaye. In fact, kal ka jo din hai 21st September, us din pe shuru hua tha. But we are celebrating it today on this Monday. And we are giving glory to God that what started 22 years ago, जो 22 साल पहले जो शुरू हुई कुछ चंद लोगों के साथ, वो आज एक मिनिस्ट्री, एक बड़ी मिनिस्ट्री हो गई है, दैट इज ब्लेसिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस. जो नाम है ग्रेस मिनिस्ट्रीज, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड दैट इवन इन दिस लॉकडाउन द वर्क ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्रीज हैज बीन कैरिड आउट. एंड इट इज अ डे टू डे टू सेलिब्रेट. और आज हम खुशी मनाने वाले. इट इज अ डे टू थैंक द लॉर्ड. इट इज अ डे ऑफ थैंक्स गिविंग, अ डे ऑफ प्रेज. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट आई वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस दिस इवनिंग. एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन विद अस इन आवर जर्नी फॉर द लास्ट 22 ईयर्स. आप में से बहुत से लोग हैं जो पिछले 22 साल से हमारे वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक प्रेयर मीटिंग में आते रहे हैं. So we appreciate, we thank you, we give glory to God for this beautiful blessing that the Lord has given to us. And now as we continue thanking the Lord, we have got with us today, we are so blessed that we have got today with us from where we are having this broadcasting, jahan se ho raha, it is in our office, Grace Ministries office, which is located in St. Michael Church. Aur hamare parish priest Father Neelam Lopez, जो आज हमारे बीच में है, and I would like to welcome Father Neelam to come up here now and to be with us and along with Father Neelam. Yes, Father Neelam, please come. Thank you, Father. Thank you, Father. So, Father Neelam, the parish priest of St. Michael Church, he is a very strong support to Grace Ministries. From the time he came into our parish as a parish priest, hame jis din se Father Neelam Lopez hamare parish mein aaye, unka kaam pure parish mein, it is known, everybody likes him because of his nature, because of his kind, gentle, loving nature and reaching out to others. And in Grace Ministries, we have experienced his support to us, full support. And we thank the Lord and we are so grateful to the Lord for Father Neelam. So we welcome Father Neelam and I ask Shannon to present a bouquet to Father Neelam. We have got also with us Father Florence Fernandez. Father Florence Fernandez is with us for many years.
Earlier he was in Manor, then from Manor, Father Florence went to Nandurbar, and now he is in our parish. But when he was in Manor, Father Florence used to come on his motorcycle every Monday to attend the prayer meeting. Every Monday, Father Florence used to come. So, Father Florence, thank you for your support. And I ask Malin to present Father Florence with a bouquet. And now I also want to invite Brother Melroy and Brother Melvin. Together, we will, as we thank the Lord, we would like to have, because it's an anniversary day, so it is cake cutting banta hai. Okay, so we will have the cutting of the cake. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Now we also, on this day, in this entire lockdown that we have been, the Lord has been with Grace Ministries. Prabhu, Grace Ministries ke saath hai, and there's a beautiful journey that has happened. And this journey of the lockdown that we have had, we have tried to bring this journey into a form of a newsletter. Humne ye journey jo hamari safar raha hai, pichle jab se lockdown hua hai, hume laga ki sab band ho gaya. Par Prabhu ka kaam kaise chalu tha, we have tried to include all this in a newsletter. And I request Father Florence to do the inauguration of our newsletter. I invite Anastasia Pinto to please present Father with our newsletter, and Father will just do the opening of the newsletter. And Father Florence as well, come. Though we are all under lockdown, I declare Grace unlocked, and the Grace Ministries newsletter is declared open. Now requesting Father Neelam, our parish priest, to speak few words, what he feels about Grace Ministries and the journey of Grace Ministries, and what Father feels. So Father, please speak a few words. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. I must first of all congratulate you for this lovely name that you have chosen, Grace Unlocked. And I really appreciate many things that have happened during this moment of unlock, of this lockdown in 1.5 years. My dear
people, when you will read this in a PDF form, you will be really surprised and good to know that there have been many graces flowing throughout these 18 months. St. Paul, on his journey to spread the word of God, had to go through moments like this. He was beaten up, told to stop preaching the word of God, jailed, and yet he went through many moments of feeling the grace of God and spreading the word of God. Grace ministry is, in a way, going through that journey. There are many prayer groups in our diocese, and they have responded in many ways. Grace ministry could not respond physically to be present in the church to gather people. So through this moment of having their prayer online, you have reached through so many corners of our country and the world. So many people have conveniently taken part in it. There, at certain moments, as Brian has said when he writes, that in the measure you give will be the measure you get back. And in this, Jonas has gone forward to say that how Grace Ministry has helped St. Philomena School, many of the tribal families, with all these graces that they have received, to be physically present to the needs of the poor. There have been testimonies given by people from Manikpur, people from other parts of the country, telling how they have been cured, how they have been taken aback because of the lockdown, and they had to search for ways to come to meet the Lord, and Grace Ministry has reached them. I especially appreciate Grace Ministry for their daily intercessory prayer, that they show that commitment. Also, to their work to the children. In the lockdown, they did not stop because the children were in their families, but reached out through their Zoom and other activities. They reached out to the youth, and especially for the youth to find meaning in prayer and word of God. They did not stop there, but they also are reaching to the elderly. I wish Grace Ministry reaches out like this to many more people and the needy in a very special way. I don't only wish to speak about the goodness of Grace Ministry. I appeal to you all who are weaving and praying with us at this moment, that you appeal to more and more people to take advantage of this moment of grace, to attend the meeting, if not on a Monday, also at other times you weave this and be filled with the grace of God to acknowledge His presence and also to receive His graces in full measure. I wish the Grace Ministry that as it has unlocked, that the gates be open, the floodgate of grace may flow, and people may be healed, people may be filled with the love of Jesus in their hearts, in their families, and everywhere. I wish you all the best, and God bless you. Thank you so much, Father. Thank you so much, Father Neelam. Now I also invite Father Florence to speak a few words. He has been associated with us for many years, so he will be able better to speak about Grace Ministries. Praise the Lord. Praise the Lord. Sachmuch, jinka hriday mein Prabhu Yeshu ka anubhav hai, unka zindagi naya hota hai. To hame bhi Prabhu ka anubhav isse pehle hua tha. और जब हम मनोर मिशन में थे और वहाँ के लोगों में भी प्रभु के लिए उनका प्यास लगा था और उन्हें कैसे प्रभु का ये जीवंत प्रेम
प्रेम का अनुभव देना है वो मुझे सही तरह से मालूम नहीं था, और ये ग्रेस मिनिस्ट्री के तरह हमें भी उस इलाके में हमारे लोगों को प्रार्थना करने और प्रभु में का अनुभव देना था, तो इसलिए मैं खुद जैसे बोल रहे थे वहाँ से यहाँ रात को आते थे शाम को, और रात को 9:30 को यहाँ से जाते थे, इसलिए कि मुझे मालूम था कि ग्रेस मिनिस्ट्री में सचमुच द लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ गॉड वॉज बीइंग कम्युनिकेटेड, प्रभुचा अनुभव लोकांना देत होते, आणि म्हणून I wanted to experience the various ways, the singing, the hymns, and the form of prayer through which I could also upgrade myself and reach out to people. Aur grace ministry bhi hamare wahan aate the aur hamare logon ko prabodhan karte the, unhe bhi gayan var prabhu vachan ke dwara unki shraddha drudh karte the. हम एक अनुभव जैसे इस पैंडेमिक के टाइम पर, महामारी के टाइम पर लॉकडाउन हुआ है, फिर भी हमारे ग्रेस मिनिस्ट्री अनलॉक हुआ है, उसी तरह का एक अनुभव कहना चाहता हूँ. एक बार ग्रेस मिनिस्ट्री आए थे और वहाँ उनके गाड़ी पलटी हुए थे, और सब जन को लगा कि अभी पलटी हुआ तो इन लोग अभी डर कर वापस जाएंगे, फिर भी उन लोग ने वो गाड़ी वहें थोड़े और दूसरा टेम्पो या दूसरा गाड़ी में पकड़ गए. उन लोग हमारे वहाँ टिटवाले में उन लोग आए और हमारे जो ध्यान था, जो प्रार्थना था चालू रखे. इसके मतलब कोई भी शक्ति प्रभु की शक्ति को रुका नहीं सकता है. हालेलुया 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 हालेलुया. जब हमारे हृदय में प्रभु है तो वो हमें किसी को देना है तो हम जाएंगे, कुछ भी हमें रोक नहीं सकते हैं. इसलिए ये महामारी हो या कुछ भी हो, जब हमारे हृदय में प्यार है तो प्यार हमको अलग अलग राह निकालते हैं. और इसी तरह इस टाइम भी हमको मीडिया द्वारे ये लोगों को प्रार्थना और प्रभु में जुड़ाने के लिए मदद कर रहे हैं. तो और बहुत कुछ है, बहुत एक बड़ी बात है कि ग्रेस मिनिस्ट्री का, कि उन लोगों को खुद सबको प्रभु यीशु का वैयक्तिक अनुभव, पर्सनल लव ऑफ जीसस, दैट जीसस इज द लॉर्ड एंड सेवियर, एंड इज बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, और प्रभु यीशु में जास्ती खोल, हैज गॉन डीप इन द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसलिए प्रभु वचन और इसमें खोल जाते हैं, वैयक्तिक अनुभव उन लोग देते हैं, कुछ किताब से पढ़कर कुछ बोलते नहीं, अपना अनुभव. और शायद दूसरे भी अच्छे स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं, मगर खुद का अनुभव है इसलिए इस सब लोगों में तलमल है और लोग देते हैं. और एक अच्छी बात है कि जब बाकी का तरुण युवक लोग समझो कि दारू और दूसरे व्यसन में है, तो हमारे ग्रेस मिनिस्ट्री के युवक को प्रभु यीशु के वचन और प्रभु यीशु के प्यार में वो मग्न हुआ है और वे खुश है और आनंदित है. कुछ लोग दूसरा कुछ इसमें आनंद लेते हैं. हमारे यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत लॉट ऑफ यंगस्टर्स हैव फाउंड मीनिंग इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. And we also know in our charismatic groups, there have been a lot of history like Nikki Cruz and many others who have gone down in the various ways. God touched them and they became new creation. Even I think Grace Ministry members also, I'm told they were lost people, but the Lord touched them and they are a new creation. And so Grace Ministry is a blessing for the church. And as I wrote in the article, that in the church there are various groups, sodality, various kinds of prayer groups and all the other thing. And grace ministry is also one of the thing, is something that enriches, that gives us life and life to the full. So it is not against, it is not bypassing.
that seeing God in all these things, God is presence. And therefore, I'm happy for what the Grace Ministry is doing. And I pray that God will continue and touch everybody. ये तो अहंकार से नहीं, अहंकार बोलिया तो गर्विष्ठ है, हम ऊंचे हैं, हमको प्रभु को मिला है, तुम्हें नहीं। हमें प्रभु का अनुभव हुआ तो हम लीन होके सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, चर्च की सेवा करेंगे। चर्च को कुछ भी काम है तो तैयार है, तो हमारे मेल ड्राइव वहाँ क्या बोलते हैं, पोस्टर्स लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ एनीथिंग, मीन्स आर ग्रुप इज रेडी टू डू एनीथिंग for the love of God. So I pray once again that God might bless you all, deepen you all, and as I'm going, lot of things are coming, lot of talents in our group, so many good singing. Just now while you all are singing, I thought wondering whether you all are putting on a record or is it the real live singing. It's as good as a recorded hit song. So God has blessed, use all your talents and blessings for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Father Florence. Father Florence is our spiritual director, and we thank Father Florence for being with Grace Ministries and for his support towards Grace Ministries. So my dear brothers and sisters, today as we have tried to put this in a It is available in a PDF form. So in the YouTube, when you have clicked the link and you're watching right now, in that description, the link has been link is given. So if you will click the link, it will open. We will try to also give this in PDF format, in a WhatsApp format. अभी भी ये available है तो आप उसको download कर सकते हैं. What you can do in YouTube, it is available. इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसको क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन को तो उसके नीचे तो अवेलेबल, उसको डाउनलोड कीजिए और आप अपने बड़े स्क्रीन पर, लैपटॉप पे या इवन ऑन फोन पे आप ये फुल, क्योंकि नाउ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू प्रिंट फिजिकल कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूट, एंड आई नो दैट राइट नाउ पीपल आर वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज, सो इट इज़ अवेलेबल इन द सॉफ्ट कॉपी इज अवेलेबल. और इसका नाम जो हमने दिया है ग्रेस अनलॉक्ड, और जैसे फादर नीलम ने भी बताया, व्हाइल एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, सब कुछ बंद था, बट द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की कृपा को कोई लॉक नहीं कर सकता. व्हेन सेंट पॉल वाज इन जेल, जब उनको हाथों में हथकड़ी पहना के ना उनको जेल में डाला था, व्हेन ही वाज इन चेन्स, बट वी सी दैट व्हाइल ही वाज लॉक्ड, बट व्हाइल ही वाज इन दैट लॉकअप, the grace of God was not locked over there. What did he do? He was writing letters to the Philippians and is telling rejoice always. Wo Philippians ko letters likha unhone Corinthians logon ko letters likha, Thessalonians logon ko letter likha. Jab wo khud ek jail mein the, lockdown mein the, jab sab kuch band tha, prayer meetings band ho gayi, to hame bhi laga ki ab kya hoga aage, but the grace of God was unlocked. Parmeshwar ki kripa खुल गया था, वो बंद नहीं हुआ, और वो खुले कृपा जो हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा वो लोगों तक फैला, थ्रू आवर मंडे प्रेयर मीटिंग, थ्रू द चिल्ड्रन प्रेयर मीटिंग, थ्रू आवर यूथ प्रेयर मीटिंग, थ्रू आवर कपल्स प्रेयर मीटिंग. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट ऑल माई टीम मेंबर्स, हमारे जो को टीम है, माई को टीम मेंबर्स, ब्रदर मेलरॉय, ब्रदर मेलविन एंड द अदर को टीम मेंबर्स, आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट, that they are there together in the planning that we do and in the execution of the plan. I want to also appreciate all my animators, jitne bhi hamare animators hain, throughout the entire they have taken care of the members, taken care of the cell, and all the ministry heads, the mercy ministry, jinhone bahut kaam kiya hai reaching out to the poor. Every week after week our team is helping the needy and the poor people, aur wo aate hain और परमेश्वर की कृपा से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है और दे गेट समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल. सो आवर मर्सी मिनिस्ट्री टीम हैज वर्क, आवर चिल्ड्रन मिनिस्ट्री टीम हैज एंगेज द चिल्ड्रन एंड केप देम इंटरेस्टेड इन प्रेयर, इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन आवर कैथलिक टीचिंग्स, इन द सैक्रामेंट्स.
Our music ministry has done a wonderful work in this lockdown. Our intercession ministry is praying every day. And the intercession ministry has through the prayers, jo jitne prayer requests aate hain, our team is praying. So all our team, our kitchen ministry, our technical team, now you can see us over here, but in the behind the scenes, behind the camera, there is a team working, sitting on the OBS ke upar baithe hain, laptop leke, phones leke, mixer leke, aur sab cheeze ye. To hamara ye jo पहला ये जो जगह था जहां पर मंडे प्रेयर मीटिंग ओके दिस प्लेस वाज अर्लियर अ प्लेस वेयर वी वुड कम फॉर इंटरसेशंस एंड ऑल बट नाउ दिस हैज बिकम लाइक अ प्लेस वेयर फ्रॉम वी कॉल इट लाइक अ मिनी स्टूडियो हो गया है लाइक एवरीथिंग इज हियर ये प्रोजेक्टर जब मंडे को हम लोग लगाते थे अभी नहीं है तो यहां पर हमने फिक्स ही कर दिया है एक प्रोजेक्टर सामने एक प्रोजेक्टर पीछे Mics, mixer, speaker. This has become like a small mini studio where the work of the Lord is happening. Praise the Lord. Praise so the grace Lord. Of God is unlocked. The grace of God is unlocked. Even if there is a lockdown, we don't know when. हमें ये नहीं पता कि कब से prayer meeting खुल जाएंगे और हम आमने सामने मिलेंगे. पर परमेश्वर की कृपा को ताला नहीं लगा सकते. The grace of God is open and this God is using us. And God is using you. And let us reach out with this grace, with the love of God to everybody whom we encounter, everybody whom we meet. And grace ministries, ye jo word hai hamara grace, this grace is something which Mary, our mother, was full of when the angel Gabriel came and gave in the salutation, said to Mary, Hail Mary, full of grace. That is what we all are called to be. To have that grace in us, to be people full of grace, and this grace to flow through our words, through our families, our action, to helping the needy. And that is what at Grace Ministries we strongly believe, that prayer is like one hand that reaches to God. Yes, but God has also given two hands. One hand goes up and the other hand goes down to reach out to the needy. दोनों हाथ अगर हम ऊपर वन हैंड गोज टू रीच आउट टू गॉड हेल्प एंड द अदर हैंड ऑल्सो हेल्पिंग द नीडी दैट इज वॉट पोप फ्रांसिस इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हेल्पिंग एनी स्पिरिचुअलिटी दैट एक्सक्लूड्स द पुअर पीपल इज अ फॉल्स स्पिरिचुअलिटी सो इट इज थ्रू गॉड रीचिंग आउट टू द नीडी सो आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल व्यूअर्स जो भी हमारे प्रार्थना आप अटेंड करते हो मंडे प्रेयर मीटिंग वी ऑल्सो वर अर्लियर हैविंग मराठी आमची पूर्वी मराठी प्रार्थना सुद्धा असायची आणि पुष्कळ लोक प्रार्थनेला हजर असायचे तुमच्या सर्वांचे आभार महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी सुद्धा आपली प्रार्थना असते त्याला सुद्धा तुम्ही हजर असतात तुमच्या सर्वांचे आभार अँड दिस इज हाऊ द वर्क ऑफ द लॉर्ड कंटिन्यूज अँड गिविंग ग्लोरी टू द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सो आय इनवाइट वन्स अगेन द म्युझिक मिनिस्ट्री टीम टू glorify the Lord through our sing, through our music. We will take some songs. And before we can take that, now I want you to, we have also, jis tarah se humne newsletter mein ye sab capture kiya hai, humne also, we have captured this in a video format. Now we want you to have a look at our, this video. To humara ek video hai. In this video, lockdown jab se start hua, लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ हमने क्या क्या किया वी हैव ट्राइड टू पुट दैट इन अ स्मॉल वीडियो सो प्लीज सिट बैक एंड वॉच दिस वीडियो विच शोज द जर्नी ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्रीज इन दिस लॉकडाउन Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Good evening, brothers and sisters. And once again, a warm welcome for this evening service. Jesus says, I am the bread of life. संगीताच्या मी चढणार विजयी होणार संगीताच्या मी चढणार विजयी हो
Jesus, we have endless hope. We get the power to obey God. ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा है ताकि हम बच जाए उस नाश से. What God has joined, man should not separate. This ministry has been doing this, teaching, preaching, reaching out, healing. Shabd deha bana aur hum mein niwas kiya. Macha jivana cha pratyek sankata. हे प्रभो आमच्यावर आणि सर्व जगावर दया कर. कृपेने पवित्र जीवन जगणे शक्य आहे. Let us sing that our God is a good God.
Your house resound. God is good all the time. And all the time. God is good. Hallelujah. 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 Priya bandhu ani bhagininno, devane aplyavar khup krupa keleli ahe. Devane aplyavar khup krupa keleli ahe. Ya sampurna lockdown, lockdown samplela nahi. Lockdown jo chalu ahe. Parantu devachi krupa he band nahi. Tar apan deva से आभार मानत आहोत. वी आर गिविंग ग्लोरी टू गॉड. देवाचा महिमा आपण वर्णूया, त्याचे आभार मानूया की तो रोज सकाळी आपल्याला तो उठवितो, आपल्याला जागे करतो, आपल्याला तो जीवन देतो, आपल्याला श्वास देतो आणि तो आपला सांभाळ करतो. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे आभार मानूया, देवाला गौरव देऊया. धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा.
आम्हाला क्षमा करीतो करुणा कृपेची दृष्टि करीतो मार्गावरे आम्हाला चालवितो त्या देवाचा अनुभव घ्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा देवाचा महिमा वर्णावा गौरव त्याचा करावा धन्यवाद देवाला द्यावा रोज पहाटे आम्हाला जागवितो रोज पहाटे आम्हाला जागवितो कृपा आशीर्वाद आम्हावर पाठवितो रोज पहाटे आम्हाला जागवितो कृपा आशीर्वाद आम्हावर पाठवितो दिवस रात्र आम्हाला जपतो दिवस रात्र आम्हाला जपतो जीवनाचे जल आम्हाला पाजितो उत्तम आरोग्य आम्हाला देतो उत्तम आरोग्य आम्हाला देतो त्या देवाचा अनुभव घ्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा देवाचा महिमा देवाचा महिमा देवाचा महिमा वर्णावा गौरव त्याचा करावा धन्यवाद देवाला द्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा धन्यवाद देवाला द्यावा And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Glory, glory, O Lord. Dhanyavaad tujhe prabhu. You alone are worthy. Teri jay. All glory, Lord. Teri stuti, teri badhai. Hallelujah. 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 Say hallelujah. 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 Jay dene wale prabhu Yeshu ko har din hame jo jay deta hai, har samay jo hame jay deta hai, usse थोड़ा बहुत नहीं कोटि कोटि हमें धन्यवाद देना है हालेलुया हालेलुया कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु तुझे बोलिए मेरे साथ प्रभु यीशु तुझे तुझे कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया हालेलुया गाइए हमारे साथ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया
बोलो बोलो मसीहा की बोलो जय जय खुशी खुशी मना खुशी खुशी यीशु मसीह की जय बोलो 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 बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो हालेलुया 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 गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फाइनली द लास्ट अनाउंसमेंट इज दैट आवर टीम मेंबर्स हैव कम टुगेदर एंड फ्रॉम देयर ओन हाउसेस अपने अपने घर से उन्होंने गाकर एक गीत को अलग अलग गीतों को गाकर एक वीडियो हमने तैयार किया है दैट वी विल बाय कमिंग संडे तक हम वो प्रीमियर करेंगे बाय कमिंग संडे वी आर ट्राइंग टू प्रीमियर दैट सॉन्ग विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सॉन्ग्स आवर ओन मेंबर्स सिंगिंग फ्रॉम देयर ओन हाउसेज सो दैट वी विल ट्राई टू रिलीज इट बाय संडे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच for being with us on our journey continue to pray for us as we pray for you good night and god bless you